सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करें, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है, इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये जो एक्ट है पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा इमोरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेज नहीं करेंगे। तो खुदारा इस फैसले पर नजरसानी करे। सबसे पहले तो अपना तारुफ करता चलूं, नवाबजादा जमाल रेसानी, फर्जिंदे शहीद नवाबजादा सिराज रेसानी, जो कि 2018 में बलूचिस्तान में अपने 300 से ज़ायद शहदा के साथ शहीद हुए। आज का जो मुद्दा है, जो मेरा आप लोगों से खिताब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक शहदा के फर्जिन के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शहदा के शहीद के भाई के हैसियत से कर रहा हूँ। और हम जब जमा हुए हैं, केपीके से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शहदा के लवाकिन सारे जमा हुए हैं, हम अपने शहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वादे करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी जाती मुफाद के लिए नहीं दी हैं हमने। तो खुदारा मिलिट्री कोर्ट को अलाउ करें, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है, इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फौजी जो अदालतें हैं, इनकी जो बंदिश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस फैसले के बाद जितने भी हमारे शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, पाओ सिविल लाइन से ताल्लुक रखते हो या मिलिट्री से, हम इकट्ठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप नजरसानी करें, क्योंकि अगर ये सारे एक इंटरलिंक तरीके से जो आपका दहशतगर्दी होता है, तो ये सारे एक इंटरलिंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई गद्दार आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर कोई जासूसी नेटवर्क आपकी सूबों में वो नेटवर्क या काम नहीं करता, फिर ये दहशतगर्दी कैसी होती है? तो अगर ये इसी सेक्शन 21D को आप गैर फाल कर रहे हैं, इसको इसकी जो असल जो एडवांटेज है वो कौन ले जा रहा है? हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अगर शहदा के लिए यहाँ मौजूद हैं या यकजा हुए हैं, तो हम किसको अपने शहदा की, क्योंकि शहीद से या जान की कुर्बानी कोई बड़ा कुर्बानी नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क के लिए अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने वालिद को कुर्बान कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम उन शहदा के लिए खड़े हों। और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नजरसानी करें, ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाजत ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। मैं क्योंकि एक शहीद के फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो हम कभी भी ये इजाजत नहीं देंगे किसी को भी कि वो हमारे शहदा के खून के साथ खेले। हम इंसाफ चाहते हैं और हम मायूस हैं कि आज ये हमें इस एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जैसे मेरे भाई ने अर्ज किया कि कुलभूषण यादव का जो केस था वो भी थोड़ा वर्नरेबल हो गया है, तो किस वजह से वर्नरेबल हो गया है, और इस एक्ट को जो अनाउंस किया गया है इसकी वजह से भारत ने इसको सोशल मीडिया पर उठाया कि पाकिस्तान के खुद के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया, तो उन्होंने एक हमारे लिए बड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो कुलभूषण यादव वो बंदा है जो कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशंस कराए हैं, मेरे वालिद की शहादत में उसका और उसके नेटवर्क का हाथ था। फिर मैं किसको पकड़ूं? क्या मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? मैं किसको पकड़ूं? हम अपने शहदा के लिए किसकी तरफ जाएं? एक और बात मैं वाजे करना चाहता हूं कि जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, तहरीक लबैक और पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि BLA नाम से मशहूर,
इस जैसे दहशतगर्द तंजीमों को क्यों खुली छूट दिया जा रहा है जिन्होंने 85,000 जो से ज़ायद पाकिस्तानियों को शहीद किया, पावर सिविल लाइन से उनका ताल्लुक हो या मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से उनका ताल्लुक हो। इसके अलावा अगर आप जाएंगे जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के जो मुतासर मुल्कों में सर फहरिस्त है, इसकी 2023 में सिर्फ 2,700 शहादतें हमारे लोग शहीद हुए, तो हम किसके पास जाएं? तो दहशतगर्दी की जो ये अरूज है इसके जो इसी वक्त अगर हम जो फौजी अदालतें हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं तो ये तो हमारे साथ पूरी तजाद हुई है। हम अपने शहदा के बच्चों को, उनके खानदानों को हम क्या जवाब देंगे जो कि एक मखसूस जो माइंडसेट के जजेस की वजह से जो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसमें जो शक्कफ पड़ी है, तो हम किसको पकड़ें कि हमारे शहदा को हम इंसाफ दें? ये जो एक्ट है पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा मॉरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेज नहीं करेंगे। तो खुदा रा इस फैसले पर नज़रसानी करे। हम सारे एक ही कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन हमारा मिशन एक है कि हमने शहादतें कबूल की हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है या पाकिस्तान के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो खुदा रा इस पर आप नज़रसानी करें। आप शायद तरीके तालिबान कहना चाहते हैं, तालिबान देखें जी, ये क्योंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे कई मसाइल हैं, ठीक है ना जी। ये हम जरूर कहेंगे कि मिसिंग पर्सन इज आल्सो अ इशू, बट ये कहना कि मिसिंग पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, ये भी बड़ी तजाद होगा। जो कि लोग मिसिंग पर्सन के लिए ऑलरेडी वो आवाज उठा रहे हैं, आज तक आपने किसी शहदा के लिए उनको देखा? उनसे भी आप ये सवाल करें कि क्या वो अपने हमारे जितने भी, क्योंकि हमने शहादत किसी जाति मफाद के लिए तो नहीं दी, पाकिस्तान के लिए दी है, सूबे के लिए दी है, सलामती के पाकिस्तान के दिफा के लिए दी है। तो उनको उनसे भी आप ये सवाल करें कि वो अपने शहदा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर मिसिंग पर्सन इस आप किस मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं? वो मिसिंग पर्सन जो दहशतगर्दी एक्ट में इन्वॉल्व है उस मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके इत्तेजाज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अनडिक्लेयर्ड जो कहले शहदा है वो भी हमारे पाकिस्तानी है भाई है, अगर वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो क्या उनका नाम सामने आना चाहिए? अगर वो जिंदा है तब भी पता लगना चाहिए, अगर वो शहीद हो गए तभी ये उनके नवाशीन का मुताबिक आगे। तो मेरा ये नाकिस रहा ये थी कि आप क्योंकि बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, तो मेरे ख्याल से आज बेहतरीन फॉरम था आपके पास किया जब उनका किसी पैसे दे, क्योंकि उनकी बात उठाने वाले नहीं है, शायद उनकी थोड़ी वो तो जमा रहते होते हैं, लेकिन शहदा के लिए हम पहली दफा जमा हुए। आज का मुद्दा ये है कि जो सेक्शन 21D है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे शहदा को जो इंसाफ मिले वो दिया जाए। हम किसकी तरफ जाएं? सिविल कोर्ट्स आर नॉट दैट पावर टू गिव यू नो पनिशमेंट टू दोज हु आर कमिटेड इन टेररिस्ट एक्ट, सो वी अपील दैट मिलिट्री एक्ट शुड बी लेट देम। मिलिट्री एक्ट से ये नहीं होता कि हमारा जो माइंड सेट है ना, मिलिट्री एक्ट जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अपील का कोई राय नहीं होता, मिलिट्री एक्ट में भी आपका अपील का राय होता है। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं जवाब दूंगा, मैं अपने भाई को जवाब दूंगा। एक मिनट सवाल करें यार। जो बलूचिस्तान में ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है उनकी तो हम लोग बिल्कुल श्रद्धा और मुजम्मत करते हैं, लेकिन मिसिंग लेकिन आप मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, क्या मैं उस मिसिंग पर्सन की बात कर रहा हूँ जो चाइनीज एम्बेसी पर जिन्होंने हमला किया? उनका नाम भी तो मिसिंग पर्सन है। एडवोकेट साहब को दे देना, एडवोकेट साहब ने दो बातें करना चाहिए। एडवोकेट साहब जी जी जाहिर बात है जब कोई फॉरम बनता है, जब कोई तंजीम ग्रुप में आती है तो उसके बेग पे कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए
लिए शोधा पारक को सपोर्ट कौन कर रहा है। दूसरा मेरा सवाल है साईं साहब से, पहली बात है शहीद है उनकी कुर्बानियाँ हमसे भी नहीं भूल सकते, और जो शहीद शोधा की लवाई की होते हैं पहली बात जिस दर्द से जिस दुख से गुजर रहे होते हैं हम बर्दाश्त हम जो है उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर मुल्क के इस्तेहकाम की बात की, आपने सलामती की बात की, आपने बंगाल की बात की, आपने तरक्की की बात की। आप सवाल है कि इस मुल्क की सलामती के लिए बंगाल के लिए आपके पास जो नशीनेटी है कब छोड़ मैं देखिए जी ये पहले दफा भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये सवाल भी आपने मुझसे किया। दूसरे तरफ जवाब मेरा यही था कि एक बंदा अगर अब इस मुल्क के लिए अपने वालिद तक कुर्बान कर सकता है ड्यूअल नेशनलिटी क्या चीज है ये आप ध्यान में रखें। अगर हम इस मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार हैं तो नेशनलिटी क्या चीज है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।